और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की जो मेरी लड़की मैं आज दुनिया से चली गई, लेकिन मैं अपनी लड़की की कसम खाता हूँ मैंने कोई पैसे नहीं खाए। ऋषिकेश के वंतारा रिसोर्ट में रिसेप्शनिस्ट अंकिता भंडारी की डेड बॉडी 24 सितंबर को चिल्ला नहर में मिली थी। उनकी हत्या का आरोप रिसोर्ट के मालिक और दो मैनेजर्स पर है। उत्तराखंड की बेटी को न्याय दिलाने के लिए 8 घंटे के प्रदर्शन के बीच अंतिम संस्कार किया गया। हम अंकिता के गांव डोब श्रीकोट पहुंचे। घर में मातम पसरा हुआ है। हमारी मुलाकात अंकिता के पिता बीरेन सिंह भंडारी से हुई। मन में बेटी के जाने का दुख और इस बात का गुस्सा कि बेटी के अंतिम संस्कार के लिए भी उन्हें लड़ना पड़ रहा है। वो मेरी मर्जी हुआ कि मैं अपनी लड़की का 10,000 करना चाहता हूँ, पर लेकिन जनता मीडिया बोली है कि शासन प्रशासन के दबाव में आके उन्होंने उसके लड़की का 10,000 संस्कार किया, ऐसा कुछ नहीं मैंने अभी। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने पैसे खाए, ऐसी कोई बात नहीं, मैं अपनी लड़की जो मेरी लड़की मैं आज दुनिया से चली गई, लेकिन मैं अपनी लड़की की कसम खाता हूँ मैंने कोई पैसे नहीं खाए। 5-6 दिन हो गए थे मेरे लड़की की डेड बॉडी हुई थी, उसमें एक दुर्मन टैग भी आ रही थी, तो इन्होंने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, पुलिस मार्टम रिपोर्ट कभी आ सकती थी, लेट होगी। 19 तारीख 5 बजे फ़ोन आया कि अंकिता आज सुबह यहाँ से पता नहीं कहाँ गई, लेकिन जबकि वो 18 तारीख 8:30 बजे के बाद यहाँ से लापता हो गई और उसका फोन भी स्विच ऑफ हो गया था। तो मैं जब 20 तारीख को वहाँ गया, 11:30 के आसपास गया, मेरे से पहले होटल मालिक पुनीत आर्या, होटल मैनेजर सौरभ भास्कर आर्य की मिसेज और पुनीत आर्य के पिताजी, तो ऐसे ही गेट लगा होता, अंदर बैठे हुए थे, चौकी अंदर बैठे हुआ था। तो इन्होंने कहा कि रुको, अभी 6 घंटे तक वहाँ घूमता रहा। तो इन्होंने मुझे जब गुस्सा आया, मैं सीधे घुसने की कोशिश की, इन्होंने कहा रुको अभी। तो फिर इन्होंने कुछ देर बाद फिर मेरे को बुलाया, यहाँ क्या काम है? मैंने कहा मैं अंकिता भंडारी का पिता बीरेन सिंह भंडारी हूँ, मुझे कंप्लेंट लिखनी है। नहीं नहीं, आपकी कंप्लेंट नहीं लिखनी है, पटवारी ने विवेक कुमार ने कंप्लेंट, ये पहले आए तो पहले मैं इनकी रिपोर्ट लिखूंगा, आपकी रिपोर्ट नहीं लिखूंगा। तो तब तक होटल मालिक पुनीत ने कहा कि आप स्पॉट में आए हैं, होटल में आए हैं, तो हम 4:30-5 बजे के आसपास वहाँ स्पॉट पे गए। उसके बाद मैंने सीधे बोला उसको, पुनीत आर्य को, कि आप अपने सिटी पे कैमरे ऑन करो। तो कहने लगा कि 3 महीने से मेरा काम चल रहा है, जगह जगह से जब देखा जगह से काटे तारें काट रखी थी, मुझे लगभग ऐसा लग रहा है कि 19 तारीख को उन्हें उसको मर्डर किया। जब हम वहाँ पहुँचे कागज कार है भाई, तुमको पता पड़ गया था। मेरी मांग है तो एक तो फास्ट एंड ट्रैक के तहत इन तीनों को फांसी की सजा दी जाए, और तो मैं सरकार से चाहता हूँ कि इधर उधर भटक रहा है उसके पिताजी विनोद आर्य, इनको ऐश किया जाए। बेटी के जाने के बाद अभी सूनी आंखें केवल न्याय की गुहार लगा रही हैं।